हेलो गाइज, मैं वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइज़, फिर से एक नया टाइगर की ही वीडियो लेके हाजिर हुआ। देख सकते हो, ये टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। थोड़ा पुराना ट्रैक्टर है, देख के लग रहा है कंडीशन इसका जो है। देख सकते हो गाइज, इसका लुक भी ऐसा ही जैसे टाइगर के जैसा ही होता है। DRL वगैरह देखने को मिल जाता है सामने से, क्रोम की फिनिश के साथ। टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। साइड माउंट देख सकते हो, साइलेंसर दिया गया है। इसका ऊपर का जो जाली है वो ब्लैक कलर के साथ आता है, इसीलिए देखने में बहुत बढ़िया लगता है इसका लुक। साइड से देख सकते हो सोनालिका का बैजिंग, देख सकते हो 4D कूलर दिया गया है। और स्टेयरिंग इसका जो फीचर है वो सभी लिखा हुआ है यहाँ पे। डिज़ाइन इन यूरोप का जो डिज़ाइन है। स्मूथ शिफ्टिंग लीवर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो, और टाइगर DI 50 लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑयल टैंक देख सकते हो। तो गाइज़, ऊपर से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ इस ट्रैक्टर को। देख सकते हो गाइज, डिजिटल मीटर दिया गया है। रिवर्स फॉरवर्ड शिफ्टिंग सैटेलाइट टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में मिल जाता है। सोनालिका का, टाइगर का, जितना भी सारा ट्रैक्टर आता है सभी ट्रैक्टर में जो है ये फीचर हमें उपलब्ध हैं। देख सकते हो गाइस, हाई लो मीडियम गियर के साथ। और इस साइड पे जो है फोर स्पीड का गियर लीवर देखने को मिलता है। PCDC कंट्रोल देख सकते हो, पोजीशन एंड ड्राफ्ट कंट्रोल। इस साइड पे देख सकते हो गाइस, ब्रेक दिया गया है। और एक्सेलेटर जो है ऑयल इमर्ज डिस्ट ब्रेक देखने को मिलता है। हैंड वाला रेस यहाँ पर दिया गया है। स्टीयरिंग देख सकते हो छोटा सा। गाइस देख सकते हो, ट्रैक्टर को चलाने के लिए इस साइड पे क्लच दिया गया है। नीचे देख सकते हो फ्यूज बॉक्स वगैरह सब कुछ है। और इस साइड भी देख सकते हो PTO के लिए जो है गियर दिया गया है। गाइस इस ट्रैक्टर में जो है PTO के लिए अलग से इंडिपेंडेंट क्लच नहीं देखने को मिलता है, ये जो है सिंगल क्लच ही है। ऊपर से व्यू देख सकते हो, देख सकते हो गाइस जो है लाइट वगैरह, इंडिकेटर। पीछे से देख सकते हो गाइस, डबल ऑक्सिलरी वाल्व दिया गया है। देख सकते हो 3 पॉइंट जो है सेंसिंग दिया गया है, लिफ्ट। देख सकते हो हिच भी लगा हुआ है इसके पीछे। गाइस इसका लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, देख सकते हो 1800 kg का जो है लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाता है, और डुअल क्लच के साथ। गाइस देख सकते हो इस साइड पे जो है सारा कुछ जो है फिल्टर वगैरह दिया गया है पैर वाले। गाइस इसके टायर साइज की बात करें तो 14 और 28 का देख सकते हो नॉर्मल टायर देखने को मिल जाता है। और आगे का टायर साइज की बात करें तो 7, 50, 16 का देखने को मिल जाता है। और इस साइड पे देख सकते हो अपना जो ट्रैक्टर का सर्विस हो रहा है, सोनाली का DI 50R इस ट्रैक्टर का, जिसका वीडियो आप सभी लोग बहुत बार देख चुके होंगे हमारे चैनल पे। गाइस देख सकते हो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है। हुड वगैरह ओवरऑल लुक देख सकते हो। गाइस 3065 cc 3 सिलेंडर नॉन टर्बो नेचुरली स्पिरिटेड इंजन देखने को मिलता है। गाइस की डीजल खपत की बात करें तो 6 लीटर पर हावर के हिसाब से जो है PTO पे जो है डीजल खपत करता है ये ट्रैक्टर। इस साइड पे एक टूल बॉक्स दिया गया है लोहे का, देख सकते हो गाइस। इसका प्लेटफॉर्म एकदम फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है। चढ़ने के लिए एक पायदान भी यहाँ पर दिया गया है। इस ट्रैक्टर के अंदर छोटे छोटे और भी बहुत सारा है फीचर जो है हमें देखने को मिलता है। ऊपर से देख सकते हो डीजल टैंक जो है इसका 50 लीटर का डीजल टैंक देखने को मिलता है। सोनालिका वर्कशॉप का ओवरऑल व्यू देख सकते हो। तो गाइस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको मिलते हैं किसी अगला और नया ट्रैक्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।